और आज दिल्ली में देश भर से आए हजारों बुजुर्ग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन करने की वजह है इन्हें हर महीने मिलने वाली पेंशन जो मात्र 200 रुपए है। इनकी मांग है कि पेंशन को बढ़ाया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी। पेंशन धारक ध्यान दे। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले ईपीएफओ द्वारा पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें हायर पेंशन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे तो उनके लिए समयावधि को बढ़ाया गया था। अब तक कई बार समय को बढ़ाया जा चुका है। पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उनके कागजों की जांच के लिए नियुक्ताओं ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की थी। आज के इस वीडियो में इन तमाम सवालों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन के लिए देने थे विकल्प। कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई बड़ी मांग। एक बार फिर से दिया गया मौका। नियुक्ताओं एम्प्लॉयर द्वारा समय बढ़ाने की गई मांग। 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया समय। चलिए जानते ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन के लिए देने थे विकल्प। आपको बता दूं कि जो पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए थे तो उनके विकल्प संयुक्त विकल्प की जांच के लिए एवं आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध किया गया था। कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई बड़ी मांग। इसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए और समय बढ़ाया जाए। इस पर विचार करते हुए ईपीएफओ ने पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने की समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी थी। एक बार फिर से दिया गया मौका। इसके बाद पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर से 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया। इस तरह कर्मचारियों द्वारा विकल्प संयुक्त विकल्प के जांच के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11 जुलाई 2023 तक पेंशन भोगियों सदस्यों से विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए लगभग 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। नियुक्ताओं एम्प्लॉयर द्वारा समय बढ़ाने की गई मांग। उसके बाद नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशंस के द्वारा समय अवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त प्रतिनिधित्व के मद्देनजर आवेदक पेंशन भोगियों सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए और समय मांगा गया। इस पर ईपीएफओ ने नियोक्ता को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने की अतिरिक्त समय दिया गया और इस समय को आगे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया समय। नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता विकल्प संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं, अध्यक्ष सीबीडीटी ईपीएफओ ने नियोक्ता को वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक समय का एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।